Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज हमारा जो भाई है राजा फाइनली जा रहा है वापस कनाडा, तो उसको छोड़ने जा रहे हैं हम एयरपोर्ट. दिल टूट्स मूवमेंट होने वाला है, बड़ा मूड खराब हो पड़ा है. क्या बताएं मम्मी, मेरा दोस्त जा रही है आप मुझे छोड़ कर. मम्मी पागल ना हुए, और दो चार ही तो दोस्त हैं बेचारे. जिंदगी आना बन जगह है, जिंदगी आना बन जगह है. कहाँ हो मम्मी पापा कहने में. कभी तो कभी तुम चश्मे वश्मे लगा के ऐसे हो जाओ एकदम फैंसी, कभी कभी ऐसी हो जाओ एकदम. क्या चक्कर है ये? अच्छा, ओहो ठीक है. मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ बताना. मेरे से पढ़ाई करवाया वो उल्टा और बोल गया. वही इसीलिए तो बुलवा रहा हूँ. तारीफ तो कभी करो ना तुम जिंदगी में. बताना जरा एक बार बता दो. बस ठीक भाई, देखना ठीक बता रही है. बस ठीक लग रहा हूँ क्या मैं? चलो फिर भाई, चले राजा के घर वहां से. भाई बड़ा मम्मी मूड खराब है, मैं रोना चाहता हूँ थोड़ी देर अकेले में. मेरा भाई जा रहा, मुझे छोड़ दो, मैं रोना चाहता हूँ. परदेसिया इतना बता राजा. माँ तो रोज है ही ना पास, अब वो चला जाएगा पता नहीं कितने दिन में. लगा तो गया ना भाई. चलो ठीक है, यही करेंगे और क्या. तो भाई आ गए गाड़ी में, अब जा रहे हैं सीधे राजा के पास. और राजा के पास जाके थोड़ा सा मम्मी पापा से मिलते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट, देन वहीं से द्वारका रुक जाऊंगा मैं, और फिर वर्कआउट. ये जिंदगी रह गई, दोस्त चले जाएंगे सारे छोड़ छोड़ के, बस लोहा तोड़ते रहो. उठो नहाओ खाओ, जिम जाओ जिम से आओ, फिर नहाओ खाओ फिर सो जाओ, फिर उठो फिर नहाओ खाओ जिम जाओ, फिर जिम जाओ नहाओ खाओ सो जाओ. ये जिंदगी रह गई है. तो चलो भाई, तो भाई घर से तो हम एक साथ निकले थे. राजा की गाड़ी आगे थी, हम पीछे थे. राजा का भाई अंशु हमारा, इसी बोए बादशाह. तो ये बहुत ही मोटा लग रहा है. तो जिम क्यों नहीं जाते आप? स्टोरी आपकी सुनानी पड़ेगी, इसकी स्टोरी सुनाऊंगा एक दिन तुम्हें. तो अब हम गुम हो गए भाई. इसने कहा मुझे प्यास लग रही है, पहले पानी दे लाऊ. पानी लेने रुके इतने में राजा भैया गायब. अब गायब तो हो गए, मिल नहीं रहे थे हम बिल्कुल आगे पीछे. तो अब जो मुलाकात होगी वो एयरपोर्ट पहुंच के ही होगी. और घर जाके मैं शूट कर नहीं पाया, थोड़ा इमोशनल हो रहे थे सारे. मैंने कहा अभी शूट नहीं करते, पहले एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद वहां पहुंच के फिर राजा से तुम्हें मिल पाते हैं. ठीक है अंजू, कैसे परेशान है? मन अजीब सा हो रहा है. मन अजीब सा हो रहा है. मन अजीब सा हो रहा है, होना भी चाहिए. जिसका होना चाहिए उसका होना रहा. जाली में पक्का एपी ढिल्लो. चलो भाई पहुंच के मिलवाते हैं तुम्हारे राजा भैया से. हम पहुंच गए भाई एयरपोर्ट की पार्किंग में. चलो बेटे. है जगह कहीं? कहीं नहीं रहे, आगे तो फोन. राजा भाई इंडिया, ओ वाओ. चलो पाजी चलो. मैं तो लग रहा है कनाडा जाके फोन उठाएंगे. और ये राजा का बोरा रह गया था मेरी गाड़ी में. राजा भैया कहते भैया मेरा बोरा दे दो, ठंड लगेगी वहां. ओ ये नुन्नू टेक इट. और उधरा हेलो कर, हेलो कर दो. हेलो है मेरा बेटा. हेलो हेलो हेलो. ये हमारी माँ जी, देखो माँ की आंखों माँ की गुद्दी पे मारो. और ये हमारे अंकल जी, ऐसा करना एक बार. ये बात हाँ, मम्मम मम्मम कहाँ है मम्मम? फिश. ये मम्मा में, ये मम्मा में फिश खाएगा? निकाल दो एक हाथ, बनवा दो नाश्ते में. है रुद्रा ओए, हैं फिश
हाँ जी हाँ जी, कहाँ चल दिए फिर? देख आवाज, एक्चुअली मैं बताना भूल गया कि मैं भी कनाडा जा रहा हूँ, मेरा लगेज ज़्यादा हो गया। ओके गाइस बाय, सी यू, मिलता हूँ इंडिया आगे। आगे के वीडियोस कनाडा से आएंगे, ठीक है, ज़्यादा मत मिस मत करना, ठीक है अंशु? ठीक है भैया, ज़्यादा आ जाएगा पर मैं नहीं। ठीक है। तो भैया लाजा भैया जा ले हमें छोल के, लाजा भैया। अब कब मिलोगे? बहुत जल्दी। हैं? जब आप बोलो। तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम सबको लाके जा रहे हो। हैं भाई, मैं भी करो यार। मामला ज्यादा इमोशनल हो गया। सब रोलिए, मेरी रोने की कमी रह रही है। मैं ऐसा रो दूंगा पूरा एयरपोर्ट ला दो। किसी ने सोची ना होगी। किसी ने सोची ना होगी, धारावाहिक इतना रोड है, किसी ने सोची ना होगी। मुझे इसमें बिठा के ले चल। बैठ जाओ, इसे लंबा करके रखना। वजीर इसे इसमें डाल दो ऊपर, बस बन गई बात। अंजू कहाँ गया? हावड़े हेलो कर उस हाथ से, फ्रॉम दैट हैंड माई बॉय, गिव मी दैट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, यस दिस हैंड, नाउ इट्स गुड, हाउ आर यू? ए टकलू, व्हाट्स योर नेम? छोटा गुरु जी है? ओ छोटे गुरु जी, हाँ हाँ, रोने की थोड़ी है, आज के फोटो खिंचवाओ। वो नाराज है। ओए भैया एक साथ फोटो खिंचा, फोटो नहीं खिंचाएगा? ओके बॉस, टाटा बाय बाय, लव यू, सी यू सून। चल ठीक है, ध्यान रखियो। अभी नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड, गड़बड़ हो गई भाई। चल आराम से जाइयो। आ रहा है भैया, कहाँ जा रहा है भैया? रुद्रा कहाँ जा रहा है भैया? छिज्जी लेने जा रहा है भैया, बंगन लेके आना बहुत सारे। भैया भैया आ रहे हैं, भैया भैया बंगन लेने जा रहे हैं। अंजू भाई क्या हाल है? आराम से चल अंशु, ठीक है, बाय बाय। ओए रुद्रे
ओ इधर सुन, आई ना रहे तुझ में, आ जा रुद्रा, कोइंग दिखा दो, कोइंग कोइंग दिखा दो, आ जा छुपा रखी है, कोइंग दिखाओ कोइंग, ओ बेटे कोइंग पी रहे हो, ठीक है माँ जी, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ चंगल जी राम राम, चले चलो भी, चलो भी, मैं जा रहा हूँ जिम, ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। तो भाई मैं राजा को सी एफ करके निकल गया हूँ, अंशु लेके मम्मी पापा को घर, और मैं जा रहा हूँ द्वारका गुरुजी के पास, मतलब होटल में रुकूंगा, और राजा क्योंकि वो चल रहा है ना यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसके चक्कर में फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो रही हैं, कभी डिले हो रही हैं, तो राजा का मैसेज ये था कि कोई एक रुक जाना, कभी ऐसा ना हो जाए फ्लाइट कैंसिल हो जाए या डिले हो जाए तो मुझे परेशानी हो, तो मैंने भाई उसके मम्मी पापा को घर भेज दिया, मैंने कहा मैं यहीं हूँ, कुछ भी बात होती है तो मुझे फ़ोन कर लेगा, परेशान मत हो। तो भैया बड़ी आज तो दिक्कत हो गई, और कभी कभी ना भगवान भी बड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत पत्थर दिल कुछ लोगों के साथ ना भगवान बहुत गलत कर देता है, आई डोंट नो व्हाई। अब वो जो छोटा बच्चा आपने देखा होगा वीडियो में, वो छोटा बच्चा है अंशु का बेटा, मतलब राजा की शादी नहीं हुई है, बड़े की नहीं हुई, पहले छोटे की हो गई, तो अंशु ने जो शादी करी इसकी क्लासमेट थी कोई, मतलब स्कूल टाइम में, और 13-14 साल का रिलेशन था, तो शादी कर ली, फिर ये बच्चा हुआ पिछले साल शायद, और लास्ट जो कोरोना आया उसमें जो हमारी भाभी थी, मतलब अंशु की वाइफ थी, छोटे बच्चे की मम्मी थी, उनकी डेथ हो गई, और बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली ने भी, मतलब इधर मेरी फैमिली, उन दिनों की बात है जब मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी इधर, उधर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, और वो इतना बुरा टाइम आ गया कि उधर तो राजा तड़पे क्योंकि कनाडा से कोरोना के चक्कर में फ्लाइट्स बंद थी, वो नहीं आ पाया, इधर से ये तड़पेंगे हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, और इधर अंशु तड़पे बेचारा, एक तो भाई नहीं है, दूसरा भाई, क्योंकि अंशु जो है वो मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है एज़ कम्पेयर टू राजा, उसकी राजा से इतनी नहीं बनती जितनी मुझसे बनती है, तो उसका एक तो वो भाई नहीं है, ये भाई नहीं, ऊपर से वाइफ चली गई, ऊपर से छोटा बच्चा, तो मतलब क्या गलती थी उसकी, अंशु की या उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है, उसको पता ही नहीं उसकी मम्मी कौन है कहाँ है। तो राजा अंशु मम्मी बोलते हैं आंटी को हमारी, तो वो भी मम्मी बोलता है, अंशु राजा को भैया बोलता है तो वो भी, देखा भैया भैया चिल्ला रहा था, भैया भैया, तो उसका ताऊ लगता है लेकिन वो अंशु को देख के भैया ही बोलता है, और राजा के पापा को पापा बोलता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी झेलनी पड़ जाती है कभी कभी लाइफ में ना, मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माँ बाप को हमारी ज़रूरत है या हमें माँ बाप की ज़रूरत है और वो हम नहीं मिल पाते, तो यार ट्रेजिडी इसी चक्कर में राजा आया था कनाडा से, मतलब ये इतनी ट्रेजिडी हो गई उसके बाद, मतलब उस टाइम तो नहीं आ पाया, जो ट्रेजिडी हुई उसके 6-7 महीने बाद आ पाया, तो बहुत दुख देखा है इन लोगों ने भी, इसकी राजा की फैमिली ने भी, आंटी बहुत वीक हो गई, अंकल जी बहुत वीक हो गए, और जब ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाती तो यार मतलब मुँह से नीचे रोटी भी नहीं उतरती, मुझे पता है मेरे घर वालों के साथ भी ऐसे ही होता, तो भाई अभी मन ना बड़ा वैसा हो रहा है इमोशनल सा, तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, आज ना मार रहे डायलॉग, चलो बाय, लव यू।